नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने रंजिश के चलते हमला करने की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को बड़े चाकू के साथ पकड़ा है। दोनों पक्षों में पूर्व में भी विवाद हो चुका है। मामला छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के यशवंत प्लाजा के पास का है। यहां से पुलिस ने हथियार लेकर हमले की फिराक में खड़े बदमाश धर्मेंद्र राठौर निवासी परदेशीपुरा को पकड़ा। आरोपी धर्मेंद्र करीब 2 साल पहले भी फरियादी पर हमला कर चुका है। तब धारा 307 में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें दोनों का समझौता हुआ था। पूरे विवाद के पीछे एक महिला का रोल सामने आया है, जिससे बात करने को लेकर दोनों में विवाद चल रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज सुबह यशवंत प्लाजा के पास यशवंत टी पे दो ऑटो वालों के बीच में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर स्टाफ पहुंचा। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑटो चालक जो है वो दूसरे ऑटो चालक को एक लोहे के छुरे, बड़ा चाकू था, उसको लेकर के जो है वो मारपीट करने पर आमादा हो रहा था, जिसको स्टाफ ने जो है वो मौके पर मौजूद लोगों की मदद से जो है वो राउंडअप किया और उसके विरुद्ध जो है वो धारा 2527 आम सेट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर, कौन आरोपी और क्या इनके? आरोपी धर्मेंद्र राठौर है, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ऑटो चलाता है। जिस व्यक्ति से उसका झगड़ा हो रहा था वो भी ऑटो चालक ही है। इनके बीच में पूर्व में भी जो है वो 2-3 साल पहले एक बार विवाद हुआ था, जिसमें वर्तमान आरोपी धर्मेंद्र ने फरियादी के साथ में मारपीट की थी। उसमें 307 की FIR की गई थी छोटी ग्वालटोली पुलिस द्वारा, लेकिन आरोपी और फरियादी के बीच में जो है वो किन्हीं कारणों के चलते आपसी राजीनामा हो गया था, लेकिन विवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। इसी को चलते जो है वो आज पुनः इस प्रकार की घटना की संभावना थी, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जनता के सहयोग से जो है वो आरोपी को राउंड अप कर एक बड़ी घटना को होने से बचा लिया। सर, कारण क्या रहा आज के विवाद का कारण इनका कुछ पारिवारिक पर्सनल इनका कुछ झगड़ा है और वो चीज़ अभी स्पष्ट हुई नहीं है। बातचीत में जो है वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं उस चीज़ को क्लियर करने में। और उसी के चलते पहले भी झगड़ा हुआ था, उसमें दोनों पक्षों ने आपसी में राजीनामा कर लिया था और वही बात को लेकर के जो है वो फिर आज पुनः। क्या लगता है आरोपी और फरियादी में किसी महिला को लेकर विवाद? हाँ, संभावना है, कुछ इस टाइप की कुछ बातें आई हैं कि कुछ चरित्र को लेकर के दोनों के बीच में जो है वो किसी महिला को लेकर के वाद विवाद है, उसी को लेकर आरोपी राउंड अप हो गया। हाँ, आरोपी राउंड अप है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।